मायावती जहां भी रहेंगी असर डालेंगी, किसी के साथ जाएंगी तो भी, नहीं जाएंगे तो भी। वो भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक ऐसी पहलू है जिनको इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता, न मीडिया कर सकती है, न पॉलिटिक्स कर सकती है और न इलेक्शन कर सकता है। तो इसलिए मायावती मैटर्स ये हम याद रखना होगा, चाहे जितनी भी नाराजगियां रखे, जितनी भी अपने राजनीतिक कलुष और राजनीतिक तलवारबाजी करें, गालियां दें, जो भी करें, लेकिन मायावती को के वैल्यू को समझना होगा। अजीत यादव, समाजवादी पार्टी ने तो बहन जी का सम्मान ही किया, दलित चिंता, बहन जी के कपड़े फाड़ दिए, गेस्ट हाउस कांड किए, बहन जी का सम्मान कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के गुंडे बहन जी को गेस्ट हाउस में क्या क्या दशा में पहुंचाए। अगर 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 प्रमिता त्रिवेदी जी नहीं आए होते तो बहन जी के वहाँ हत्या करने की साजिश थी। आप पूछिए पत्री ने, पत्री जी बताएंगे कि गेस्ट हाउस कांड में क्या क्या इन्होंने किया बहन जी के साथ। आज ये बहन जी के समर्थक हुए हैं, आज ये बहन जी कर रहे हैं, बंद करके दलितों का ही हक मारने का काम करते हैं, पिछड़ों का ही हक मारने का जीवन भर आप लोगों ने मारा, दलितों का हक तो मारा, दलितों की एक नेता जिनकी आप हत्या करने के लिए गेस्ट हाउस में उतारू हो गए, जिनको आपने जान से मारने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी मायावती के गठबंधन में शामिल होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी उन्हें ऑफर दे रही है कि उनके लिए इंडिया गठबंधन में जगह है, चाहे वो आ जाएं, चाहे चुनाव के बाद आए, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो बिना गठबंधन के अकेले ही इस चुनाव में उतरने जा रही है।